हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहन वी लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये देखिए हमारे ग्रेप्स का फार्म। तो आज हम इसकी खरड़ छटनी करने वाले हैं। और आज डेट है 2 मई 2022। इस डेट पे हम हमारे बाग को कट करने वाले हैं। ये देखिए अभी कुछ इस तरह से है। तो हमने इसको कट करने से पहले 2 दिन अच्छी तरीके से पानी छोड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से फुटवा निकल जाता है यहाँ से। ये देखिए अब यहाँ से वो निकलेगा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जमीन पूरी गीली हो चुकी है, इसे हमने पानी दिया हुआ है। और हमें बाद में कट करने के बाद इसको एक या दो बार इस बीच में से पानी छोड़ना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि वो जल्दी जल्दी से फुटवे निकल जाते हैं एंड अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और उनकी रूट्स को सही तरीके से और सभी जगह से पानी मिल जाता है। यह बीच में पानी छोड़ेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमारी कटिंग ऐसे थे और हमारी कटिंग हो चुकी है और हमारी बाग कुछ इस तरीके से हो गई है। अभी हमारा काम पूरा खत्म हो चुका है और हम इस जो कटिंग होकर ये नीचे गिर चुका है ये वेस्टेज है और इसको 8 दिन तक हम ऐसे रखेंगे और बाद में रोटावेटर चलाने वाले है। रोटावेटर से ये होगा कि इसके पूरा मिट्टी में मिल जाएगा टुकड़े होके और उसका भी खाद बन जाएगा। तो अब कुछ 10-20 दिनों में ये बाग यहाँ से फूट जाएगी, फुटवे निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हम सुबह से कटिंग कर रहे थे, अब हो चुका है। चिंदी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।